गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार सीखेंगे इल्यूजन ड्राइंग। तो उसके लिए आपको इसमें आपको डिस्टेंस लेना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ मिडल में इसे रखेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का हमें रेडियस लेके हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये तो पता ही है, जैसे हम ये चॉप को यूज करके फ्लावर बनाते हैं, वैसे सिंपल फ्लावर हमें सबसे पहले बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर सर्कल का जो एज है, कोई भी एक साइड में हमें ये पॉइंट रखना है और फिर से एक सर्कल बनाना है। अब ये जो सर्कल दोनों जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पे फिर से हम एक यहाँ पर रखेंगे, देन अगेन सर्कल बनाएंगे, फिर से जो सेक्शंस क्रॉस हुए हैं फिर से वहां पे रख के हम और एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से पूरे सर्कल हमें बना लेने हैं। हो गया, अभी ये जो फर्स्ट सर्कल है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ का हमें मिडल ये है। ठीक है, ये मिडल पोर्शन लेना है, यहाँ पर हमें इसका पॉइंट रखना है, फिर से हमें उसी तरह से सर्कल बनाना है। ठीक है, अब ये जो हमने सर्कल बनाया, यहाँ पर क्रॉस हुआ है, यहाँ पर हम ये पॉइंट रखेंगे, फिर अगेन सर्कल बनाएंगे। और एक बार हमें फिर से एक लेयर कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए हम फिर से ये जो फर्स्ट सर्कल है, यहाँ पर ये जो पेटल वाला पोर्शन है, यहाँ पर फिर से हमें हाफ करना है। ठीक है, मिडल पोर्शन लेना है, वहाँ पर हमें फिर से इस पॉइंट को रखना है, फिर से उसी तरह से हम सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो सर्कल बनाया हमने, इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर से हम वहाँ पे ये पॉइंट रख के सर्कल बनाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ये सर्कल हम बना रहे हैं वो कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है, वहीं पर ही हमें पॉइंट रख के इस तरह से सर्कल्स बना लेने हैं। फिर से यहाँ पर गैप दिख रही है हमें ज्यादा, फिर हम यहाँ पर मिडल में पॉइंट लेंगे। ठीक है, फिर से सर्कल बनाएंगे। Thank you.
इसे फिर से रखना है। जहाँ जहाँ ये फ्लावर का फर्स्ट फ्लावर दिख रहा है, फर्स्ट फ्लावर का सेक्शन, यहाँ से हमें सर्कल बनाना है। देन अगेन ये जो पेटल है यहाँ पर फिर से, ये जो टॉप है इसमें यहाँ पर रखना है, फिर से सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑलरेडी सर्कल है, अब ये जो पेटल है यहाँ पर टॉप पे हम रखेंगे। तो इस तरह से ये सारे सर्कल आप देख सकते हो मैंने बना लिए हैं। अभी मैंने ये ब्लैक इंक पेन लिया है, ठीक है, मार्कर पेन लिया है, चाहे तो आप स्केच पेन यूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी एक छोटा फ्लावर दिख रहा है, इसे हम कलर करते हैं। ब्लैक से फिल कर दिया। अभी ये जो सेक्शन है इसे हमें छोड़ना है, ये ऊपर वाले जो पेटल्स दिख रहे हैं आपको, ये इसे हमें कलर करना है। ठीक है, फिर से हमें ये पोर्शन छोड़ देना है, फिर से जो ऊपर वाले पेटल्स है, जो सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल, देन सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड सर्कल में से ये पेटल्स हमें कलर करने हैं। इस तरह से पूरा हमें इसी तरह से कलर कर लेना है ब्लैक से। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने येलो किया, देन अगेन ऑरेंज, देन रेड, देन ग्रीन, देन पर्पल, देन ब्लू। इस तरह से आप शेड भी कर सकते हो, जैसे रेनबो के उस तरह से हम इसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, एक सेक्शन में अभी करके दिखाती हूँ, उसके बाद सारे सेक्शंस आपको करने हैं। तो ये भी थर्ड वाला सर्कल भी मैंने कर दिया है। अब इस तरह से आपको ये जो सारे सर्कल है पूरे यहाँ तक, एंड तक आपको कलर करने हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ तक किया है, आपको ये पूरा कलर करके इसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है।